क्या यूट्यूब में गालियां देना या अश्लील टिप्पणियां करना अपराध की श्रेणी में आएगा? अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो किन अधिनियमों के अंतर्गत आएगा या कौन सी धाराएं लगेगी उस पर? तो उसके बारे में आज पूरा बात करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्मा लॉ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या YouTube में गालियां देने पर अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स अपने ज्यादा व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ इस तरह के कंटेंट्स डालते रहते हैं जो कि एक अश्लील तरीके के होते हैं, जैसे कि वीडियो में गालियां देते रहते हैं या अश्लील टिप्पणियां करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। तो इस तरह के कंटेंट्स को रोकने के लिए, इस तरह की वीडियो को रोकने के लिए जो भी अधिनियम हैं, जो भी धाराएं हैं, उसके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि IT एक्ट 2000 सेक्शन 67 में यह बताएगी, कोई भी अश्लील वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करता है या पब्लिश करता है, अगर ऐसा पहली बार करता है तो उसके लिए 3 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ऐसा दूसरी बार करता है तो इसके लिए 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह से सेक्शन 67A में भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कंटेंट्स जो कि अश्लील प्रकार के हैं, अगर इनको शेयर करता है, इनको पब्लिश करता है या आगे ट्रांसफर करता है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ऐसा दूसरी बार करता है तो उसको 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें IPC की, तो IPC की धारा 499 में मानहानि के बारे में बताया गया है, जैसे कि वीडियो के माध्यम से उसकी मानहानि करते हैं, उसके लिए अश्लील टिप्पणियां करते हैं या उसके लिए गलत कमेंट्स करते हैं, तो इस तरह का अपराध इस धारा के अंतर्गत आएगा जो कि डेफामेशन कहलाएगा। उसके लिए अगर हम सजा की बात करें तो उसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो मिलती है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, काफी लोग इस तरह के व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप इन धाराओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और आगे शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।